I'm sorry, what's your good name? Pushkar Katiyal. And you are Maya, right? Right. अधिराज इम्पोर्टेंट है क्या? फिर भी मैंने ये शादी कंटिन्यू करने का फैसला किया। देखो जिमी ऑनलाइन है, जिमी का ही मैसेज है, अब रिप्लाई करो ना। हे व्हाट्सएप सेड। तुमने फैशन डिजाइनिंग कॉलेज के बारे में पता किया? नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। हम अकेले नहीं जा रहे आदि, आप भी हमारे साथ चल रहे मुंबई। जो हुक्म मेरे आका। सर, योर हाइनेस आपका और मैडम का इंतजार कर रही हैं, तो आप प्लीज थोड़ा जल्दी आ जाइए। जिन्हें कहे हम आ रहे हैं। जी योर हाइनेस, बस वो लोग आ ही रहे हैं। हमने सुना आप दोनों मुंबई जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने। ये बात आप दोनों खुद भी आके बता सकते थे, क्यों अदी? जी वो एक्चुअली प्लान हमारा है, हम अपने पति के साथ मुंबई घूमने जा रहे हैं, तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। आपके मुंह से ये बात सुनकर हमें अच्छा लगा कि आप अपने पति के साथ घूमने जा रही हैं। श्रेया, हमें आपसे यही उम्मीद थी कि आप शादी कंटिन्यू करेंगी। आप ना सिर्फ समझदार हैं बल्कि बहुत दूर तक का सोचती। हम खुश हुए और इस खुशी के मौके पर आप दोनों के मुंबई का ट्रिप हम बंदोबस्त कराते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया के पास वाला 7-स्टार होटल आप दोनों के लिए परफेक्ट रहेगा। जी उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम मुंबई से ही हैं तो हम मैनेज कर लेंगे। फिर भी योर हाइनेस, श्रेया मैनेज कर लेंगी, और अगर हमें वहां पर जाके कोई प्रॉब्लम आई तो हमारे अपने भी कॉन्टेक्ट हैं। ठीक है, हम अपने मुंबई के पार्टी के कार्यकर्ताओं से कह देते हैं कि लोकल सिक्योरिटी की व्यवस्था कर दें, क्योंकि श्रेया आपके साथ मुंबई पहली बार जा रही है। मीडिया वाले तंग करेंगे, पीछे पड़ जाएंगे। योर हाइनेस, हम मैनेज कर लेंगे। थैंक यू। ठीक है, आप लोग जैसा चाहें वैसा करें, एंजॉय करिएगा। जी जरूर। बाबा क्यों आधी रात को तंग कर रही हो? अगर बुरा सपना देखा तो हाथ पकड़ो और सो जाओ। लो। अरे बुरा सपना है मेरे दुश्मन को। देव, आज हमारे शिवाय की षष्ठी, आपको याद नहीं है? वो देखो, षष्ठी माता ने ना हमारे बच्चे की किस्मत भी लिख दी होगी। हे माता रानी, मेरे बच्चे की किस्मत में ना राजी हो लिखना प्लीज। देव, देव क्यों सो रहे हो आप? हमें शिवाय को लेने जाना है, आप बार बार सो रहे हो। सुबह होने में 3 घंटे और बाकी, प्लीज सो जाओ ना। चलो सो जाओ, सो जाओ। देव सो जाओ, मैं मम्मी जी को उठाने जा रही हूँ। बाय। तान्या, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? दरवाजा क्यों पीट रही थी? मम्मी जी देखे ना, सुबह होने वाली है और देव उठ ही नहीं रहे हैं। आज हमें शिवाय को हॉस्पिटल लेने जाना है, आज उसकी षष्ठी है ना। चलिए आप भी फ्रेश हो जाइए, फिर हमें ढेर सारी तैयारियां करनी है। चलिए चलिए। तान्या अभी सिर्फ 3 बज रहे हैं, सुबह होने में अभी 3 घंटे और बाकी है बेटा। एक काम करो, तुम जाके सो जाओ और मुझे भी सोने दो। जाओ मम्मी जी। जाओ तान्या।
क्या पता मम्मी जी, मेरी सुबह तो कब की हो चुकी है। मेरा सूरज झुक चुका है और आज मेरे घर आ जाएगा और मेरे जीवन का अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। इसलिए बस एकदम सडन प्लान बन गया। वैसे अभी हम एयरपोर्ट के लिए निकल ही रहे हैं। ये क्या श्रेया, अब शिवाय की मासी गायब रहेगी छठी से, तो शिवाय को कैसा लगेगा? अरे आप टेंशन मत लो, उनकी मासी उनसे जरूर मिल लेंगी और उनको जितना चाहिए ना उतना उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगी। ठीक है? ओके हे ठीक है। और चल अच्छा ही है ना, तुम दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है। जी तुम्हें यहाँ की रोक टोक और सड़ू से माहौल से दूर जाने को मिल रहा है, तो ढेर सारी मस्ती करना। ओके दीजिए एक मिनट, आदि से बात कीजिए। हेलो ताने जी। हेलो अधिराज जी। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद बच्चे के लिए। थैंक यू सो मच। और हम माफी चाहेंगे कि हम श्रेया को इस वक्त अपने साथ लेकर जा रहे हैं। इट्स ओके अधिराज जी, कोई बात नहीं, श्रेया आके मिल लेगी शिवाय से। जी चलिए, टेक केयर। बोलो। और श्रेया तुझे पता है क्या, इन चुड़ैलों में से ना किसी ने भी कॉल नहीं किया है अभी तक मुझे। तू आने दे इन्हें, मैं एक एक करके इनकी खबर लेती हूँ। तू अच्छे से एंजॉय करना, फुल टू मस्ती करना। वो तो है, मुझे तो इतना सुकून मिल रहा है ना कि क्या बताओ। बस अब हम जल्दी से जल्दी मुंबई पहुंच जाए। हैप्पी जर्नी। थैंक यू। टेक केयर। बाय। अरे छेती छेती करो, मेरा शिवाय आने वाला है। देखो तुमने अभी तक खिलौने नहीं लगाए पालने में, जल्दी कर दे मेरी घनी बाबी। हाँ जी दीदी जी, बस अब हो गया। तान्या जी। मम्मी जी। पुत्र वो खाने पीने की सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ मम्मी जी, आप टेंशन ना लो, मैंने सब कर दिया है। चल शुक्र है, मैं तो बहुत घबरा रही थी। आप लोग अंदर कहाँ आ रहे हो? हमने तो किसी ढोल वाले को नहीं बुलाया। ओ आंटी जी, ढोल ताशे बजने दो, आज तो खुशी का मौका है। मुबारक आरती लेके आती हूँ। नजर न लगी किसी। जतिन तुम भी आओ। ये लीजिए मैडम, आपकी अमानत। पहले शेर, पहले शेर, पहले शेर। चलो पुत्र सब लोग अंदर चलते हैं। आजा देशो, सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। क्वींस, देखो ना, सपने सच भी होते हैं यार। जिस खुशी का मैं इतने सालों से इंतजार कर रही थी, मेरी जान, मेरे जिगर का टुकड़ा मेरे घर आ गया है। मेरा शिवाय। हमारा शिवाय। यकीन नहीं हो रहा? आओ चुपरी। नहीं मैं तुझे यकीन दिला रही थी।
ये तेरा ही घर है और ये तेरा ही बन जाए। क्यों सोना, किसी की नजर ना लगे तुम दोनों को। अरे देखो देखो देखो, इसके गाल तो सचमुच टिकी पे हैं। मोलू मोलू मोलू। सोना चल रस्मों की तैयारियां करते हैं। चलो चलो जल्दी चलो चलो। जी अमृता आंटी तो आई नहीं अभी तक, क्यों सोना? अब वो यहाँ पे किस लिए आएगी? चलो अच्छा ही हुआ जो नहीं आई, स्यापा मुका। जुलावे कोई लाला झूले मेरा पालड़ा रे, जुलावे कोई। लो जी इन लोगों को भी पता चल ही जाता है। हाय मुन्ने की दादी, चोरी छुपे मुन्ने को ले आई और बताया भी नहीं हमें। चलो कोई ना, हम खुद ही आ गए मुन्ने को दुआ देने। अब लल्ले की शक्ल तो दिखा दे। हाय हाय, किसी की नजर ना लगे माँ बच्चे को। अच्छा मुन्ने के पापा तो बता दो। जी इधर। हाय हाय, मुन्ना तो बिल्कुल अपने बाप पे गया है। दादी दिल खोल के बधाई दूंगी, एक अच्छा सा सेट और सूट तो ला दे। अरे हाँ हाँ भाई ले लेना, पहले आशीर्वाद तो दो, एक दो गाने तो सुनाओ। आजा मेरे शाहरुख, दो चार ठुमके तू भी लगा दे अपने बेटे के नाम पे। माया हाँ जी आ जाओ। चलो मासियों मिलकर करते हैं अनिकी। हे माता रानी, मेरी बहू और मेरे पोते को सुखी और सेहतमंद रखना, इन्हें दुनिया की सारी खुशियां मिले। आंटी जी आप कुछ भूल रही हैं, बेबी के पापा को। देखो भाई वैसे भी हम आदमियों को पूछता ही कौन है। अच्छा आपको एक बात बताना, ये इन सब चीजों के ऊपर कोई केस बनता है क्या? बनता भी होगा ना तो भी मैं नहीं बताने वाली। क्यों भाई? अरे पापा जी केस शुरू, किस्मत देखो आपकी किस्मत बनाने वाला आ चुका है। बहुत बड़ी बात कह दी अक्कू ने। देव तेरा शिवाय तेरी किस्मत बदलेगा और फिर मैं तो हूं ही तेरे पास, मेरे मरते दम तक तू मेरे लिए ऐसे ही छोटा रहेगा जैसे तेरे लिए तेरा ये शिवाय है। जी माँ। अरे शिवाय आनंद सिंह टंडन के नाम, ये लो। 100 साल जिए मेरे लल्ला, खुश रहे। थैंक यू सो मच क्वींस, सारे गिफ्ट्स बहुत ही अच्छे थे। अरे गिफ्ट्स कुछ नहीं, तू हमारी ब्लेसिंग्स की सोच जो हम हमारे गपलू के लिए लाए। वैसे इस वक्त ना मैं श्रेया को बहुत मिस कर रही हूँ, वो होती तो मजा डबल हो गया होता। हाँ अरे अरे सोना पुत्र यहाँ आना, सोना। जी मम्मी जी। पुत्र लगता है काके को भूख लगी है, इसे दूध पिलाना होगा। आराम से।
पप्पू की तरह मुंह फुला के बैठी है। हाँ, उसको भूख लगी थी, उसको दूध चाहिए था। उसको भूखा तो नहीं रख सकते ना टीटी। हाँ, अब क्यों डर रही है, बेबी तो अपना ही है। और वैसे भी अब ये बेबी तो यही रहने वाला है तेरी आंखों के सामने इसी घर में। इसलिए स्माइल। चल 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 अब स्माइल। देखो कौन आ गया। चलो चलो मासी, अब तुम एक एक करके आइटम नंबर शुरू करो। बेबी को एंटरटेन करने की तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अच्छा जी। हाँ, नहीं तो मासियों के होते बेबी नहीं रोना चाहिए, है ना बेटू? वैसे टीटी जी, जूनियर टंडन के आगे तो हम मासियां बस कोशिश ही कर सकते हैं। हाँ। जानू जूनियर टंडन नहीं, शिवाय आनंद सिंह टंडन। वाओ, इन शॉर्ट शिवानंद। अरे इससे मुझे याद आया, जतिन, जतिन, अरे जतिन सुन तो। अभिया, मैं क्या कह रहा था, कल मुझे इसका डिस्चार्ज पेपर दे देना, तो फिर मैं जाके बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह बनवाने का काम कर लूंगा। क्या हुआ भाई, किस सोच में डूब गया, क्या बात है बोल। जतिन क्या हुआ, बता तो सही, क्या हुआ बोल। भैया एक्चुअली वो देख भैया। हाँ? आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैंने बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया और इस बच्चे का नाम शिव नहीं अंबर है। बर्थ सर्टिफिकेट बनवा चुके हो, कब बनवाया भाई, और बताना भी जरूरी नहीं समझा। अरे बच्चा हमारा है तो हम जो चाहे वो करेंगे। और आपको हर बात बताने की क्या जरूरत है जतिन। ये सोना, 4 दिन मायके में रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम घर के संस्कार भूल जाओ। पहले तमीज से बात करो। और जतिन तू मुझे ये बता कि ये सब क्या माजरा है, कितनी बेहूदगी से बात कर रही है ये सोनाक्षी। ये बच्चा देव और तान्या का है तो उसका नाम भी वही डिसाइड करेंगे और उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी यही लोग बनवाएंगे, उस पे माँ बाप पे नाम भी इनका ही होगा। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, ये बच्चा देव और तान्या का है और इस बात पर मुझे इस घर में अब कोई बहस नहीं चाहिए। देव जी, पता करो और सर्टिफिकेट में चेंजेस करवाओ। जी। तान्या पुत्र, इसे कंधे पर लेकर थपकी दे, शायद इसको दूध हजम नहीं हुआ है। आजा पुत्र। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ये बच्चा मैंने पैदा किया तो मैं खुद कर लूंगी। किससे बात कर रही हो तुम, जरा अपनी टोन देखो। सोना, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे दोनों बच्चों को तान्या नहीं पाला है। हाँ तो ठीक है ना, लेकिन इस बच्चे को हम पालेंगे। फैसला हो चुका है कि हम ये बच्चा तान्या दीदी और देव भैया को नहीं देंगे। ना 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 सोना दीदी, ये आप को नहीं बोल रहे, ये आपकी माता जी का पढ़ाया हुआ पाठ है जो आप तोते की तरह टर टर कर रहे हो। मैंने तो इसे संस्कार आपके कभी देखे ही को ना। अरे अपना दिमाग चला लो, याद है ना आपने तान्या दीदी से क्या बोला था माता रानी की मूर्ति के सामने, कि मैं और जतिन तान्या दीदी का सपना पूरा करेंगे, रे हम उनके लिए अपना तीसरा बच्चा प्लान करेंगे। क्या हो गया इब, भगवान से डर लो, होश में आ जाओ। देशो, तू अपनी औकात में रह समझी ना,
और खबरदार जो मेरी मम्मी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो। हमने फैसला कर लिया है कि मेरा और जतिन का बच्चा है और हम खुद ही पालेंगे इसको। चलो जतिन, ये सब पुत्र सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। माया जी आंटी, बेटा तानिया को लेकर उसके कमरे में जाओ। हाँ हाँ चलो चलो, ठीक हो जाएगा वो। चल चल, सब ठीक हो जाएगा।